देसी कुक चैनल में आपका स्वागत है। आज की रेसिपी है भेजा फ्राई। भेजा फ्राई बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है, ये आपको 10 मिनट में बन जाएगी। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है मटन भेजा। सबसे पहले हम पैन गरम कर लेंगे, उसमें डाल देंगे भेजा, फिर डाल देंगे 2 कप पानी, उसके बाद डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। 4 से 5 मिनट इसे बॉईल कर लेंगे। इसको 1 से 2 बार पलट लेंगे और बॉईल कर लेंगे। हम इसे केयरफुल्ली पलटा लेंगे और बॉईल कर लेंगे, इसको ब्रेक होने नहीं देंगे। अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे ठंडा पानी। ठंडा पानी डालने के बाद हम इसके रंग निकाल लेंगे। हम सारे रंग नहीं निकालेंगे, हम इसके जो भी मोटे मोटे रंग नजर आ रहे हैं उसे निकाल लेंगे। जैसे मैंने निकाल लिया है, आप भी उसी तरीके से निकाल ले। भेजा रेडी है, चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले तेल गरम कर लेंगे, उसके बाद डाल देंगे थोड़ी सी प्याज। मैंने यहाँ पे बारीक प्याज काट ली है और इसको 1 मिनट भून लेंगे। उसके बाद डाल देंगे 2 हरी मिर्च, इसको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। फिर अब हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट। धीमी आंच कर देंगे, फिर इसको भी 1 से 2 मिनट भून लेंगे। फिर अब हम इसमें डाल देंगे भेजा, डाल देंगे फिर थोड़ी सी हल्दी और हम अच्छे से भेजा फ्राई कर लेंगे। इसको पलट लेंगे आराम से, इसको टूटने नहीं देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट धीमी आंच पे। फिर अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया और थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। भेजा फ्राई बनकर तैयार है, चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके हमारे हर न्यू रेसिपी की। जल्द ही मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हैं।